ताइक्वांडो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले विनोद कुमार का चयन पानीपत में हो रही WWE फाइट के लिए हुआ है। हापुड़ के धौलाना गांव सपनावत में गरीब परिवार में जन्मे विनोद के परिजनों समेत ग्रामीणों में अपने लाडले के इस नए करियर को लेकर काफी उत्साह है। उसे आशीर्वाद ले रहे हैं और इसी आशीर्वाद के साथ उसे पानीपत के लिए रवाना किया गया। विनोद आर्य स्कर्ट क्लब में 5 जून को अपनी पहली फाइट में विदेशी पहलवानों से लोहा लेंगे। विनोद ने इस मौके पर समाचार प्रेस को भी धन्यवाद दिया, कहा कि जब किसी ने मेरी गरीबी के कारण नहीं सुनी तो समाचार प्रेस ही वो पहला चैनल था जिसने मेरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आज इसी वजह से मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। आपको बता दें कि विनोद कुमार काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। विनोद ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मदद के लिए कई बार गुहार लगाई लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। विनोद की मेहनत और लगन देखकर गाँव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर विनोद की मदद की। मार्शल आर्ट में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मेरा सिलेक्शन WWE के लिए हुआ है और मेरे 5 दिनों में सबसे पहली फाइट है WWE की और मैं रिश्ते इस बार की तरफ से WWE लड़ूंगा और मैं समाचार प्रेस का बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मेरी खबर बहुत प्रमुखता से दिखा रहा है।